नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो यूपी में निवेश का महाकुंभ, अभी तक यूपी में जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, जितने भी निवेश आए हैं, उनको धरातल पर उतारने की बारी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, उन सभी को धरातल पर लाने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद है, कभी भी इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। इस दौरान बड़े बड़े उद्योगपति भी आज लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो निवेश का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो बड़े स्तर पर एक जो निवेश है वो किया गया है, जिसको धरातल पर उतारा जाएगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे, जिसके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो 10 लाख करोड़ के 14,619 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर लगातार सियासी रोटियां अपनी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर यही कहा है कि बस युवाओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यूपी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अगर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को युवाओं की इतनी ही चिंता थी, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को आखिर चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है? 6 महीने पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकती थी ताकि युवाओं को समय से रोजगार मिले। तो मोटे तौर पर कहा गया है कि युवाओं को रिझाने के लिए इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन आज भाजपा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है। तकरीबन 22 तारीख तक ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और इस दौरान जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। इससे युवाओं को कितना लाभ मिलेगा और क्या इस मुद्दे पर सियासत सही है और क्या वाकई अखिलेश यादव ने जो आरोप भाजपा सरकार पर लगाए हैं उनमें सच्चाई है या फिर नहीं है, आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। संतोष दुबे, नेता बीजेपी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनुपम सिंह बतौर अर्थशास्त्री इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष दुबे जी से करते हुए। संतोष जी, आज तो यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में कल्कि धाम की आधारशिला रखते हैं, दूसरी तरफ आज वो यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं, क्या संदेश है? सबसे देश में और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और उसी व्यवस्था को लेकर लगातार उद्योगपति जो हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का जो है धरातल पे जो है उतारने का काम किया जा रहा है। और इन सबसे रोजगार ही नहीं, रोजगार के साथ साथ जितने भी हमारे धार्मिक नगरी है, धार्मिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन सबको भी लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, जिससे यहाँ पे रोजगार पैदा हो सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके, नई व्यवस्थाओं के तहत हम उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना सके। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भरपूर सहयोग मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम अनुपम जी से बात करें, अनुपम जी, लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो परियोजनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं और जो निवेशकों का दायरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से यूपी में निवेश आ रहे हैं, यूपी की अर्थव्यवस्था कितनी बदल जाएगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद? अनुपम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, अनुपम जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी टीम से बोलेंगे अनुपम जी को दोबारा जोड़ा जाए। आवाज आ रही है आपको? जी जी अनुपम जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूँ कि लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो परियोजनाओं का दायरा है वो बढ़ रहा है, अब तो जो निवेश हुए हैं वो भी बड़े पैमाने पर हुए हैं, ऐसे में अगर चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सफलतापूर्ण संपन्न होती है, जो कि लाजमी है कि होना ही है, इसके बाद यूपी की इकोनॉमी में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है क्योंकि 14,000 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसमें कि बहुत से प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, बहुत से रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट होंगे, बहुत से आईटी क्षेत्र के प्रोजेक्ट होंगे, फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट होंगे, हाउसिंग के प्रोजेक्ट होंगे, रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट होंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के प्रोजेक्ट होंगे, एंटरटेनमेंट के होंगे, एजुकेशन, मतलब पूरा जो आपके सोशल
जितनी भी चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उन सभी का ध्यान में रखते हुए 14,000 प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। अभी जो इसमें जो अटेंडीज हैं, जो मेहमान आ रहे हैं, वो 5,000 लगभग 5,000 बताया जा रहा है कि 5,000 सीईओ या अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो गेस्ट हैं जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। तो वो ऐसे ही तो आके टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी दिमाग में लेकर ही आ रहे हैं, सिर्फ खाली अटेंडेंस लगाने नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो ग्लोबल सबमिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है, इसके नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि लगातार यूपी की जो कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है उसी का नतीजा है कि लगातार एक बड़े पैमाने पर निवेश आ रहे हैं। लेकिन देखिए दिलीप जी, अब 24 का चुनाव नजदीक है और हर एक मुद्दे पर सियासत होगी। आज अखिलेश यादव भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि महज ये युवाओं को रिझाने जैसी बात है। भाई अगर युवाओं की इतनी ही चिंता थी तो 6 महीने पहले कर देते, तो चाहे ये सेरेमनी 6 महीने पहले हो चाहे 6 महीने बाद हो, क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं, बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और अखिलेश यादव जी की इस स्टेटमेंट में भी बहुत दम नहीं है कि युवाओं को रिझाने के लिए किया जा रहा है। युवा तभी रिझेगा जब उसको रोजगार वास्तव में मिलेगा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लेकर के चल रही है तो अनडाउटली कि इसमें पॉलिटिकल इंटेंशंस भी छुपे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि राजनीति के उद्देश्य से या 2024 में वोट पाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को सजाया जा रहा है, ये सत्य है, ये कारण यही है। लेकिन कारण कोई भी हो, अगर जनता को कुछ मिल रहा है, अगर इस प्रदेश की प्रगति हो रही है, इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सरकार की ट्रेजरी को टैक्सेस के माध्यम से फायदा हो रहा है, तो वो इवेंट अब हो 6 महीने पहले हो या 6 महीने बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्देश्य क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मौके पर करना, राजनीतिक उद्देश्य छिपा है, इस बात को अगर भाजपा नहीं भी कहती है तो भी कोई बात नहीं, बट इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इन ऑल जो भी इन्वेस्टर समिट जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है उसका क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। सारी चीजों के अलावा उसका क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो योजनाएं हैं वो धरती पर मूर्त रूप से कितनी सही उतरती हैं। अगर वो सही उतरती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकार को टैक्सेस के माध्यम से फायदा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होता है तो उसकी मल्टी फोल्डेड बेनिफिट्स होते हैं और वो बेनिफिट किसी एक व्यक्ति को नहीं होंगे। सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ राजनीतिक लाभ मिलेगा सरकार दोबारा बनाने के लिए, वोट के माध्यम से MP ज्यादा आ जाएंगे इनके, लेकिन जो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं वो इस देश की ये प्रदेश की जनता को ही मिलेंगे। हर अलग अलग माध्यम से मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इससे बेनिफिटेड होंगे, बशर्ते कि ये योजनाएं मूर्त रूप से धरातल पर उतार दी जाए। बिल्कुल ठीक है दिलीप जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन IGP में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है, उनके साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है। तो एक साफ तौर पर कहा जाए कि अब इस सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से थोड़ी देर बाद अभिवादन होगा और देखिए मंच पर लग रहा है तस्वीरों में देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उनके साथ ही तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में मौजूद है और देखिए ये अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और देखिए ये तस्वीर भेंट की गई है, गणेश जी की प्रतिमा भेंट की गई है, सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ उनको ये तस्वीर भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये प्रतिमा भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। और इस तस्वीर को साफ तौर पर देख के कहा जा सकता है कि आज यूपी में निवेश की बंपर सौगात जो है वो युवाओं को मिलने वाली है। और लगातार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब रुक करते हैं अपनी वापस चर्चा का, लेकिन देखिए अनुपम जी एक आरोप जो है वो लगातार लगते हैं कि ये चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, लेकिन अब तक की जो 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है उसका कोई असर धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। आपका आकलन क्या कहता है, कितना बदला है यूपी तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में? 500 करोड़ की लागत से अमूल का प्लांट जो है वाराणसी में जो है 24 और 25 तारीख का उसका इनॉग्रेशन तय है और ये इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि वाराणसी में अमूल का प्लांट स्थापित होने जा रहा है। ऑलरेडी वो 99% काम हो चुका है, इसी 24-25 फरवरी को उसका इनॉग्रेशन भी होना है। तो
तो 30 एकड़ के जमीन पर बना हुआ है, लैंड पर बना हुआ है, इस पे जो काम करने वाले लोग होंगे वो युवा या कोई भी बेरोजगारी तो काम करेगा कि सारी मशीनें ही थोड़ी ना काम करेंगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ जमीन पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये बेकूफ बना रहे हैं या ये सिर्फ लुभावन ऐसे कुछ योजनाएं लेके आ रहे हैं। ये जमीन पे भी काम हो रहा है, होने में दिखने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है तो कल सारे इन्वेस्टमेंट होकर प्रोजेक्ट सब तैयार हो जाएंगे। ये आ तो रहे हैं, मीटिंग तो कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट तो शो कर रहे हैं ना कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ यूपी के अंदर। अभी तक तो कोई भी इन्वेस्टर आने को ही नहीं तैयार था, तो लोग आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीदे जा रहे हैं, तो चीजें चल रही हैं। समय लगेगा, आपको डेवलपमेंट दिखेगा भी बिल्कुल। लेकिन दिलीप जी, अब 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, क्या 24 के चुनाव में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी असर डाल सकती है? आपका आकलन क्या कहता है? जनता को सरकार के किसी भी काम से फायदा होता है या नुकसान होता है, तो उन दोनों का फर्क इलेक्शंस में पड़ता है। ऑल्दो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसे भी बहुत मजबूत है, क्योंकि अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है और राम मंदिर की वजह से अयोध्या में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा है उससे सभी को फायदा हो रहा है, अयोध्या के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। तो ये फायदा अगर जनता को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रहा है तो उसका फर्क इलेक्शन में दिखता है। और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इलेक्शन के टाइम पर इस तरह के काम इसीलिए किए जाते हैं कि जनता उस बातों से अट्रैक्ट हो और उन बातों से अट्रैक्शन से उनके वोट के परसेंटेज में घटोतरी और बढ़ोतरी दोनों होती है। बिल्कुल ठीक है। संतोष दुबे जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि लगातार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संबोधनों का दौर जारी है। देखिए संतोष जी, राजनीति हर एक मुद्दे पर होती है। अखिलेश यादव ने जैसा कि कहा कि भाई 6 महीने पहले आपने क्यों नहीं ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी, चुनाव से पहले इसकी आखिर जरूरत क्या थी? मतलब अगर भाजपा को युवाओं की इतनी चिंता थी तो 6-7 महीने पहले कर देती, तब तक युवाओं को काम मिल जाता। देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं उससे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ का युवा, यहाँ का नौजवान, यहाँ के जो है महिला, यहाँ के जो है बुजुर्ग, सारे लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से विकास की गंगा बहा रही है। और यही नहीं, अभी जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, काशी में बाबा विश्वनाथ का हुआ, अभी हम मथुरा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही जितने भी हमारे धार्मिक नगरी है वहां से भी रोजगार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां भी रोजगार पैदा हो और उत्तर प्रदेश के हर जिले में रोजगार की व्यवस्था की जा रही जिससे नौजवानों को रोजगार मिले और उनके जिले में मिले, उनको बाहर न जाना पड़े। तो इस तरीके से सरकार कार्य कर रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की गंगा बह रही है और ये गंगा अनवरत बहती रहेगी, ऐसा जो है उत्तर प्रदेश के लोगों का भी मानना है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अब सीधा रुख करते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जहां लगातार कार्यक्रम जारी है। इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश की इस चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास आपके कर्मकमलों से होने जा रहा है। यह अब तक